आगे बढ़े और आपको बताएं कि तालीम का शोबा भी वायरस ज्यादा हो चुका है। कोरोना के बायस आमदन में अरबों रुपए की कमी से बरतानिया की मुतादद यूनिवर्सिटियों के दिवालिया होने का खतरा पैदा हो गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के फैलाव के बायस बरतानिया में कई यूनिवर्सिटीज की माली हालत अबतर हो चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल स्टडीज के मुताबिक बरतानिया के आला दर्जा की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की तलबा की तादाद में कमी आई है, जिसके बायस इन तालीमी इदारों को अरबों पाउंड खसारे का सामना करना पड़ रहा है। तहकीक के मुताबिक खबरदार किया गया है कि अगर बरतानवी हुकूमत ने इन तालीमी इदारों को माली मदद फराहम ना की तो 13 मारूफ यूनिवर्सिटीज को नादहिंदा होने जैसे खतरात लाहक हो सकते हैं और मौजूदा सूरत हाल में इनके दिवालिया होने के इम्कान बहुत ज्यादा हैं, जबकि कम शोहरत रखने वाली यूनिवर्सिटीज पर भी खतरात के बादल मंडला रहे हैं। बरतानवी रिसर्चर्स का ये कहना है कि यूनिवर्सिटी सेक्टर को उस शदीद माली बहरान का सामना है जिसमें मजीद इजाफे का खदशा दिखाई देता है। और एक अंदाजे के मुताबिक बरतानवी यूनिवर्सिटीज को 11 बिलियन पाउंड के खसारे का सामना करना पड़ सकता है, जो कि इन यूनिवर्सिटीज की सालाना आमदन का एक चौथाई हिस्सा बनता है। दूसरी जानिब बरतानवी महकमा तालीम का यह कहना है कि हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज के लिए माली इमदाद का ऐलान कर रखा है, जिससे इस बहरान पर काफी हद तक काबू पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ मुलाजमतों को दरपेश खतरात में भी कमी आएगी।